आप हिजाब नहीं पहन के अंदर आ सकते तो मुझे लगता है वो गलत है। इसमें एक तो ठेस भी पहुंचती है, इट्स रिलीजियस सेंटीमेंट्स पे ठेस पहुंचती है। हिजाब आपका सर कवर करता है, आपका दिमाग नहीं, क्योंकि उसी लड़की ने ये प्रूव कर दिया कि जब वो फर्स्ट पोजीशन उसने लगा, अगर उसका चॉइस है पहनना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई नहीं पहनना चाहती है वो भी उसका चॉइस है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। पहले तो जितने हमारे पास वीडियोज़ आए और जितने स्टूडेंट्स ने कॉल किया, उनका ये कहना है कि उनको क्लियरली बताया गया कि आप स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर नहीं आ सकते हैं हिजाब के साथ। अब आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हैं और आईन हमें मौका देती है कि हम अपने तरीके से जो अपने कपड़े पहने उस तरीके से। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कर्नाटका में एक ऐसा एपिसोड जो हुआ था उसमें हिजाब आपका सर कवर करता है, आपका दिमाग नहीं, क्योंकि उसी लड़की ने ये प्रूव कर दिया कि जब वो फर्स्ट पोजीशन उसने लाई। तीसरी चीज़, आप भी पता चल रहा है कि वहाँ के जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रही है कि जी इसके ऊपर वो कुछ यूनिफॉर्म का कलर की बात है। हम सब ने पढ़ा है नोटिस बोर्ड पे, अगर कोई नोटिस होता कि सब बच्चियों को बोला जाता कि यूनिफॉर्म का ये कलर है, उस कलर का आप हिजाब पहने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने हिजाब पहना, आप हिजाब नहीं पहन के अंदर आ सकते तो मुझे लगता है वो गलत है। इसमें एक तो ठेस भी पहुंचती है, इट्स रिलीजियस सेंटीमेंट्स पे ठेस पहुंचती है। और दूसरी चीज़, ये एक अपना मैटर ऑफ चॉइस होता है एक बच्ची को, एक लड़की को। अगर उसका चॉइस है पहनना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई नहीं पहनना चाहती है वो भी उसका चॉइस है।